हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ज्योति तोमर। भाई है? कहाँ जा रहा बाबू का भाई? किया कहाँ जा रहा आपका भाई? दूर जा रहा है, दूर जा रहा। सिया का भाई कहीं पे गए? वे किंगे को गए, वहां गए, वहां गए। सिया करेगी नानू। अब सिया ने मालिश करवा रखी। कैसे करेगी सिया नानू? सिया नानू कैसे करेगी? आहा, जल्दी बता दो कैसे करोगे आप नानू? ऐसा करोगे टप में नानू कर लो सिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे जी। तो सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं जो अपना सुबह का काम निपटा लिया है, सारा दूध भी उबाल के रख दिया है और इसमें रोटी बना के रख दी है, कढ़ी है इसमें और चावल, ये सब मैंने बना के रख दिए हैं। आज मैं सुबह नहीं नहाई थी, अब नहाऊंगी क्योंकि मुझे आज जाना है बाहर कहीं। वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कहाँ जाना है मुझे। और जो है मेरा यहाँ का किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है, अब खाना है मुझे। और थोड़े से कपड़े हैं मेरे जो मुझे धुलने हैं। इसके पापा भी गए हैं कहीं ऐसे ही किसी के पास, मुझे लगता है शायद सेविंग वगैरह के लिए गए हैं। तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं अपने कपड़े धो के फटाफट से फैला दूंगी। जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे वे भी मैंने साफ करके रख दिए हैं और सिया को भी नहला दिया है। सिया का तो बॉक्स भी अभी यहीं पड़ा हुआ है। ये बॉक्स मैंने सिया का खुद से ही बनाया था। इसमें इसके साबुन शैम्पू जो भी इसका सामान होता है वो सब एक जगह रख लेती हूँ, मिल जाता है एकदम से। फिर ऐसा नहीं है कि कोई सामान कहाँ पड़ा, कोई कहाँ पड़ा ढूंढना होता है, तो ऐसा नहीं है, सब इसमें ही रख लेती हूँ। तो जी उधर देखियो, तो मुझे कपड़े धुलने हैं। कपड़े धुलने के बाद मैं नहा लूँगी और फिर उसके बाद जाना है मुझे कहीं बाहर, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो जी चलिए नहा लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो मैं जा रही हूँ जी मम्मी के साथ, मम्मी को दवाई दिलवाने। और उसके पास में ही थोड़ी सी दूर में पड़ता है मेरी मौसी का गांव, मुझे वहाँ भी जाना है। उनकी सास जो हैं बीमार हो रही हैं, तो उनका भी पता लेते आएंगे। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिनों से जाया नहीं गया। माँ जी के फ़ोन आ रहे थे कि मम्मी को बुला रही थी, मतलब मेरी सास को बुला रही थी उनकी सास, मौसी की सास। तो जी वहीं पे गए थे। दूसरा रिश्ता ये है उनका, वो है मेरे ससुर की बुआ, मतलब मेरी सास की फूफस लगती हैं वे और मेरी मौसी की सास हैं वे। तो दो रिलेशन हैं उनके, तो इसलिए फिर मम्मी कहने लगी कि चलो दोनों ही चले जाएंगे वहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो है मैं तैयार हो रही हूँ वहाँ जाने के लिए। बाल धुले थे मैंने, दिन है बुधवार का, तो बुधवार में तो बाल धुल लेते हैं ना, तो इसलिए मैंने बाल धुल लिए थे। और जो है अब कर रही हूँ हल्का सा मेकअप। डेली में तो मैं यही मेकअप करती हूँ, बस हल्का फुल्का सा ही।
ऐसा भारी भरकम सा नहीं मुझे अच्छा लगता और मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो बस मैं तो अपना ऐसे ही हल्का फुल्का सा कर लेती हूँ। तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लग रही हूँ मैं। हम अब जो है घर से निकलने ही वाले हैं। हम आ गए थे यहाँ पे, काफ़ी बातचीत कर ली थी हमने, खाना पीना जो भी हमारा था वो सब हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी मिलवा देती हूँ। मैं बैठी हुई इनके पास बातें कर रही थी, मम्मी जो है अंदर बैठी हुई थी मौसी जी के पास। ये मेरी मौसी हैं और दो पोती हैं उनकी, और ये मेरा माटू सिंह। तो देखिए उनके जो जस्ट बराबर में ही बाग है आम का, इतने गुच्छे लगे हुए हैं आम के बाग में बहुत ही ज़्यादा, और जो पत्ती है तो ये पेड़ जो है इनकी बिल्कुल दीवार की बराबर में ही है। जब आम पकते हैं तो मोटे मोटे नीचे गिरते रहते हैं, कई आम तो हमारे सामने ही गिरे वहाँ पे। ये जामुन का पेड़ है, जामुन भी लगी हुई है। बैंगन भी इन्होंने बो रखे हैं वहीं पर। और ये है इनकी 12। उधर भी काफी सारी सब्जी जो है बो रखी थी, तो मौसी कह रही थी कि चल तुझे बेबी दिखा के लाती हूँ मेरी। मैंने घर पे ही अपनी सब्जी बो रखी है। ये यहाँ पे जो है बैंगन और घिया तोरी, इसका नाम लिखा है वो ही लेने के लिए गए थे हम। देखो कितना निकल रहा। मौसी कहती कि मेरे साथ आ जाओ, मुझे तो ऐसे अकेले में डर लगता है, छोटी छोटी है ये। आगे थे अब हम रोड पे, सिया डर गई थी, पता नहीं मम्मी कहाँ जा रही। रह के पढ़ाई किया मैंने, खूब मन लगता था पहले तो। अब तो जो है मौसी की बेटी की शादी हो गई है और हम भी अब जो है अपना सेटल हो गए हैं, तो आना जाना भी कभी कभार कम ही होता है, इतना आना जाना नहीं होता वहाँ पे। वैसे तो नज़दीक ही पड़ता है, जाती भी रहती हूँ मैं। तो जी अब जाने लग रहे हैं हम घर, काफ़ी लेट हो गया हमें वहाँ बैठ के बातों ही बातों में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक शेयर और कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स